कोरोना को लेकर बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के 29 जिलों में कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 3016 हो चुकी है। प्रदेश में 2 बजे तक 130 कोरोना पॉजिटिव सामने आए। जोधपुर में 76, निम्बाहेड़ा में 19, जयपुर में 15, पाली में 11, कोटा में 3, राजसमंद में 2। लगातार ये आंकड़ा बढ़ता हुआ। अलवर, बीकानेर, धौलपुर, उदयपुर में 1-1 पॉजिटिव पाए गए। प्रदेश में आज 6 कोरोना पॉजिटिव की मौत हुई। 3016 ये आंकड़ा पहुंच चुका है। जयपुर में 4 और जोधपुर में 2 कोरोना पॉजिटिव की मौत हुई। अब तक सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव राजधानी जयपुर में, कोरोना पॉजिटिव की संख्या 1008 हो चुकी है। जोधपुर में 708, कोटा में 212, अजमेर में 168, नागौर की अगर बात करें 118, भरतपुर में 114, चित्तौड़गढ़ में 86, बांसवाड़ा में 66, झुंझुनू में 42, झालावाड़ में 40, बीकानेर में 38, भीलवाड़ा में 37 और जैसलमेर में 35। लगातार देखिए आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। पाली में 24, दौसा में 21, चूरू में 14, धौलपुर में 13, अलवर में 12, हनुमानगढ़ में 11, सवाई माधोपुर में 8, उदयपुर में 15, डूंगरपुर की अगर बात करें तो 7। न्यूज रूम का रुख फिलहाल करेंगे, हमारे सहयोगी लोकेश ओला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश, देखिए लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और 3016 यह आंकड़ा फिलहाल पहुंच चुका है। लॉकडाउन का तीसरा फेज अब शुरू हो चुका है, चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। क्या अपडेट आपके पास है, किस तरीके से, और आज जो सबसे बड़ी बात, प्लाज्मा थेरेपी से इलाज शुरू आज से, तो क्या अपडेट आपके पास? लगातार जिस तरह से कोरोना का संक्रमण चलता जो चल रहा है, इस दौरान आज से लॉकडाउन 3 शुरू हो चुका है। और बात करें आज की, तो आज प्रदेश में 130 कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। वहीं जो आंकड़ा है वो 3016 हो चुका है, जो लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। उसी श्रेणी में आज 130 यानी कि 2 बजे तक की रिपोर्ट में 130 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। बात करें तो जोधपुर में सबसे अधिक 76 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं जो आज, और बात करें तो जोधपुर में अब कोरोना जो संक्रमित केस हैं वो 708 हो चुके हैं। साथ ही साथ सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव जयपुर में, और जयपुर में आज 15 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं, और जयपुर में 1008 का आंकड़ा है वो पहुंच चुका है, यानी कि 1000 से ऊपर कोरोना पॉजिटिव अब तक सामने आ चुके हैं। हालांकि जयपुर से एक रात की खबर यह है कि अब तक 420 कोरोना की जो पॉजिटिव थे उनकी रिपोर्ट नेगेटिव हो चुकी है। साथ ही साथ 330 को डिस्चार्ज कर दिया गया है, जो एक राहत की खबर कही जा सकती है। लेकिन एक और चिंता की बात यह है कि जयपुर में लगातार जो मौतों का आंकड़ा है वो भी बढ़ता जा रहा है, और जयपुर में आज 4 कोरोना पॉजिटिव की मौत सामने आई है। में जो अब जयपुर की बात करें तो जो कुल मौतों का आंकड़ा 44 हो चुका है। बात करें प्रदेश की, तो प्रदेश में अब तक जो 77 कोरोना पॉजिटिव की मौत है वो हो चुकी है। जोधपुर में भी आज 2 कोरोना पॉजिटिव की मौत सामने आई है, और वहां पर भी अब तक 11 कोरोना पॉजिटिव की मौत हो चुकी है। इस तरह लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। बात करें चित्तौड़ की, चित्तौड़ के निम्बाहेड़ा में लगातार 2 दिन से लगातार यानी कि कोरोना की बड़ी संख्या में पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। जिस तरह से रविवार को निम्बाहेड़ा में 40 एक ही साथ कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए, और आज वहां पर 19 कोरोना पॉजिटिव सामने आए। और अब बात करें तो चित्तौड़ में 86 कोरोना पॉजिटिव अब तक सामने आ चुके हैं। लगातार जो चित्तौड़ में जिस तरह से 2 दिन में अचानक पॉजिटिव केस सामने आए हैं, तो ऐसे में वहां पर भी रेड जोन की श्रेणी में चित्तौड़गढ़ भी आ चुका है। लेकिन जिस तरह से लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, और अलग अलग जो थेरेपी से इलाज करने की जो कोशिश है डॉक्टर्स की वो जारी है। इसी बीच SMS अस्पताल यानी कि प्रदेश को भी अब ICMR से प्लाज्मा थेरेपी से इलाज की अनुमति मिल चुकी है, और आज SMS में प्लाज्मा थेरेपी से इलाज है वो जारी हो चुका है। हालांकि जो गंभीर जो मरीज हैं कोरोना से संक्रमित, जो गंभीर बीमारियों के जो मरीज हैं, उनको प्लाज्मा थेरेपी के जरिए उनका इलाज किया जाएगा, उनको ठीक करने की कोशिश की जाएगी। जी बिल्कुल लोकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगली